नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 2022। जी हाँ, प्रो कबड्डी लीग 2022 का आगाज हो रहा है। पहला मैच दिल्ली वर्सेस मुंबई, एक कैपिटल ऑफ इंडिया, दूसरी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन सी टीम बाजी मारेगी, क्योंकि पिछले बड़े ऑक्शन के बाद बड़े बदलाव हुए हैं दोनों टीमों में, खासकर मुंबई में। लीड रेडर अभिषेक सिंह नहीं रहे, लीड डिफेंडर फजल अत्राचली भी नहीं रहे मुंबई के साथ। उनके रिप्लेसमेंट कैसे हैं और कौन है, क्या स्टार्टिंग सेवन रहेगी, क्या बनेगी आपकी फैंटेसी टीम जो आपको कमवाएगी जबरदस्त वाला पैसा, सारी बातें वीडियो में डिस्कस होंगी। कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, किस नजरिए से ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं स्मॉल लीग के साथ, इतनी सारी बातें वीडियो में होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और दबानी है नोटिफिकेशन बेल, ताकि जैसे वीडियो आए वो बात आप तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। वो क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि इस मैच की अपडेटेड टीम, इसके अलावा अदर स्पोर्ट्स की टीम जो मैं देता हूं और जिन मैचेस की मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं उनकी टीम्स आपको सीधी मिल सके, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। कैसे ज्वाइन करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करिए और सीधे जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से। इन केस अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, मान लो लिंक काम नहीं कर रहा है, आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ब्राउजर परमिशन नहीं दे रहा है, तो क्या करें, तो ये करें कि सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाएं, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च करें, जो हमारे चैनल का नाम है। क्रिकेटोलॉजी जब आप सर्च करेंगे आपको ढेरों चैनल दिखेंगे, उस ढेर में से निकलिए जरा, और ये वाला चैनल जिसकी डिटेल आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है, यूजर नेम @MohitCricketologist, और उसके बाद मेंबर अकाउंट थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मिलते जुलते फेक नेम से लोगों ने चैनल बना रखे हैं, उनसे आपको बचना है, प्राइम के नाम पे आपके साथ ठगी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम मैच की। पहले दिल्ली की बात, पिछले सीजन के चैंपियन क्या टीम रही थी आपको पता होगा, नवीन कुमार क्या रेडर, मनजीत चिल्लर अब इनके साथ नहीं रहे हैं जो कि एक बड़ा नाम थे, कहीं डिफेंस पूरा बदल गया है दिल्ली का। जीवा कुमार अब नहीं है, अब जोगिंदर नरवाल नहीं है, अब इनके साथ मनजीत चिल्लर नहीं, जो तीन बहुत बड़े अनुभवी नाम थे वो इनके साथ नहीं है। मनजीत चिल्लर तेलुगु टाइटन्स के IFAB राइट, तो वो बन गए हैं आपका असिस्टेंट कोच, तो वहीं पे जोगिंदर नरवाल हरियाणा स्टीलर्स की तरफ चले गए हैं, और जीवा को शायद पिक नहीं किया गया ऑक्शन में एज आई थिंक, तो डिफेंस चेंज हो गया दिल्ली का, रेडिंग डिपार्टमेंट वैसा का वैसा है। मुंबा की बात करूंगा दूसरी तरफ, तो मुंबा की सिचुएशन ये है कि जो उनको लीड डिफेंडर थे फजल अत्राचली वो टीम के साथ नहीं है, लीड रेडर थे अभिषेक सिंह वो टीम के साथ नहीं है, बी अजीत कुमार सेकंड रेडर थे वो टीम के साथ नहीं है, तो बदलाव थोड़ा सा हुआ है। स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है उस पर आ जाते हैं, तभी आपको ज्यादा आइडिया लग पाएगा कि अब जो नए नवेले चेहरे हैं उनके भरोसे क्या होने जा रही है स्टार्टिंग सेवन दोनों टीमों की। सबसे पहले चैंपियन दिल्ली, दिल्ली की टीम देखिए जो स्टार्टिंग सेवन है वो क्या हो सकती है, वो कुछ इस तरीके उससे हो सकती है। नवीन कुमार लीड रेडर रहेंगे, मतलब तीन रेडर के कॉम्बिनेशन के साथ दिल्ली उतर सकता है, आशु मलिक, विजय मलिक और नवीन कुमार। विजय मलिक से थोड़ा डिफेंस भी मिल जाता है, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा डिफेंस भी इनको मिल जाता है, नवीन के साथ सेकंड रेडर की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो नवीन आशु विजय तीन रेडर और कहीं एक ऑलराउंडर लेके जा सकते हैं ये। उसके बाद चार डिफेंडर, संदीप धुल और अमित हुड्डा दोनों को जयपुर पिंक पैंथर से उठा के लेके आए हैं, पिछले सीजन में ये दोनों जयपुर के लिए खेलते थे, इस बार दिल्ली में आ गए हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर जो है वो संदीप धुल और अमित हुड्डा रहेंगे, तो वहीं पे रवि कुमार और विशाल लाठर, विशाल एक और नाम जो जयपुर से आए हैं, लेफ्ट कवर और राइट कवर। अच्छी बात यह है कि पिछला सीजन जयपुर के लिए खेले थे चार में से तीन डिफेंडर अमित, संदीप और विशाल, तो आपस में जो एक कॉम्बिनेशन होता है, जो आपस में एक ट्यूनिंग होती है वो बेहद अच्छी है। इट मींस कि वो जीवा जोगिंदर और मनजीत चिल्लर का ना रहना इनके लिए शायद ज्यादा ना अखरे, ऐसी संभावना है। अगर फॉर्म थोड़ी ठीक रहती है तो दे विल मेक अप फॉर देयर लॉस। ये प्लेइंग सॉरी स्टार्टिंग सेवन हो सकती है दबंग दिल्ली की, ऐसी संभावना है पहले मैच में। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो आपको दिखाई दे सकते हैं स्टार्टिंग सेवन से अलग मैच के बीच में, तो कृष्ण धूल के रूप में एक डिफेंडर को कहीं बीच में
सेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। उसके अलावा विनय नरवाल आ सकते हैं, कहीं पे रेजा कोटलाउन जाहिद हो सकते हैं। ये दो तीन प्लेयर हैं जिनको ये सब्स्टिट्यूट के तौर पे उतार सकते हैं मैच के बीच में जब जब जरूरत पड़ेगी। बाकी स्टार्टिंग सेवन आपकी स्क्रीन पर है और यही रहने की संभावना है। नवीन कुमार को कप्तान नियुक्त किया गया है, संदीप धूल इनके वाइस कैप्टन है। आगे चलते यू मुंबा। यू मुंबा की कहानी क्या कहती है, जैसा मैंने बताया फजल नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो अब क्या? तो देखें स्क्रीन पे अपने गुमान सिंह। एक बड़ी बाई थी, आई थिंक 125 करोड़ रुपए में गुमान सिंह को खरीदा था यू मुंबा ने। तो अब टाइम है पेड ऑफ करने का कि भाई आप पे पैसा तो लगा दिया है लेकिन उसकी भरपाई कीजिए, दिखाइए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है जिसकी वजह से आपको इतना बड़ा अमाउंट दिया गया। लेकिन बुरी बात यह है, बुरी बात पे बात ना करेंगे, पहले स्टार्टिंग सेवन कर लेते हैं। गुमान सिंह के साथ शिवम और हैदर अली इकरामी, ये तीन रेडर मैं कहता हूं कि लेके उतर सकता है यू मुंबा। तो वहीं पे चार डिफेंडर हरेंद्र कुमार और सुरेंद्र सिंह को कप्तान नियुक्त किया गया है। पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं था तेलुगु टाइटन्स के साथ सुरेंद्र सिंह का, लेकिन शायद इस बार मेकअप कर लें, मुंबई में आए हैं। उनके साथ रिंकू हैं और किरण लक्ष्मण इनके लेफ्ट कॉर्नर खेल सकते हैं। तो वीकनेस दो है इस टीम की, वीकनेस ये है कि एक तो जो बैकअप रेडर है वो बहुत अच्छे नहीं है, मतलब शिवम और हैदर अली इकरामी आर नॉट दैट एक्सपीरियंस की प्रो कबड्डी का स्टेज इनके लिए बिल्कुल नया है और नए स्टेज को कैसे अपनाएंगे ये देखना होगा। मौका है या कमजोरी ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये कमजोरी लग रही है। तो वहां एक दिक्कत है और दिक्कत ये दूसरी है, लेफ्ट कॉर्नर इनके पास ऑप्शंस हैं लेकिन बड़ा नाम कोई नहीं है, एक सेटल्ड रेडर डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं है। हालांकि हरेंद्र सुरेंद्र दोनों बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, अनुभव लेकर आएंगे, और एचसी रिंकू पिछले सीजन के स्टार डिफेंडर थे, फजल को आउट स्मार्ट कर गए थे, तो उम्मीद है कि रिंकू अपनी फॉर्म फिर से बरकरार रखेंगे। राहुल सेतपाल के रूप में एक बढ़िया इनके पास मल्टीपर्पज प्लेयर है जो डिफेंड कर सकता है, जो रेड कर सकता है, उनको भी टाइम टाइम पे लुकिंग दे सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग सेवन यही रहने की संभावना है। तो ये बात होगी दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन की, दिल्ली की ऑल्दो कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती, और मुंबई की बैकअप रेडर और थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर परेशान करने वाला है पूरे सीजन। बाकी देखते हैं कि इनके कोच अनिल चपराना जी कैसे उसका मेकअप करेंगे। आ जाते हैं आगे फैंटेसी टीम पे। आपकी फैंटेसी टीम का आपको पता है, आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि क्या फैंटेसी टीम पीकेएल सीजन 2022 की होने जा रही है, वो भी ऐसी टीम जो छक्के छोड़ा दे आपके विरोधियों के, जो आपको जिता दे बड़ा पैसा। तो लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपको फैंटेसी खेलनी है कहां। आपको फैंटेसी खेलनी है दोस्तों विजन 11 पर। विजन 11 का आइकॉन आपको दिख रहा है, आप मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ऐप मार्केट में आज की डेट में यही है। कारण बहुत सारे हैं, शॉर्ट में गिनवाऊं तो देखिए, एक तो आपको सबसे बड़ा है वेरिएशन देता है, वेरिएबल देता है आपको क्या कि इन्वेस्टमेंट का, एक रुपए से लेके 1 लाख तक जितने मेंबर कॉन्टेस्ट आपको जिस तरीके का कॉन्टेस्ट चाहिए वो मिल जाता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि बोनस का अच्छा उपयोग आप कर सकते हो। तीसरा फायदा यह कि मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करने पर आपको फ्री गिव अवे मिलता है, और मेरा रेफरल कोड क्या है आपको पता है अच्छी तरह, एमएस राघव मेरा रेफरल कोड है। बाकी लिंक टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, कहीं से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जुड़िए विजन 11 से और शुरुआत करिए अपने जीत के सफर की। आ जाते हैं फैंटेसी टीम पे, आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए फैंटेसी टीम दिखा देता हूं, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर है। चार डिफेंडर एक ऑलराउंडर दो रेडर के कॉम्बिनेशन के साथ मैं जा रहा हूं। अब देखें पहले डिफेंडर से ही शुरुआत कर लेते हैं, ऊपर से दोनों कॉर्नर मैंने पिक किए हैं आपका कहां से, मैं भी जयपुर बोलने वाला था क्योंकि धूल और हुड्डा को देखते ही जयपुर पिंक पैंथर्स की याद आ जाती है, एडप्ट करने में टाइम लगेगा। तो दिल्ली के दोनों कॉर्नर अमित हुड्डा और संदीप कुमार धूल को लिया है, हरेंद्र कुमार एक कवर और रिंकू दूसरे, दोनों को मैंने लिया है आपका कहां से भला, मुंबई से। राइट कॉर्नर हो गए एचसी रिंकू और हरेंद्र हो गए लेफ्ट कवर, तो एक डिफेंडर रेड लेफ्ट से और एक डिफेंडर राइट से मैंने ले लिया है इस टीम में यू मुंबा से। चार डिफेंडर के साथ जा रहा हूं, विजय मलिक के रूप में आपके एक और ऑलराउंडर हो गए जो बैकअप रेडर का भी काम करेंगे दिल्ली के लिए। पिछले सीजन जब नवीन इंजर्ड हो गए थे आपको याद हो तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था, उसको फिर से रिज्यूम कर सकते हैं वहीं से। और दो रेडर नवीन कुमार और गुमान सिंह,
नवीन कुमार कैप्टन रहेंगे इस टीम के, संदीप धुल वाइस कैप्टन, गुमान सिंह एक और ऑप्शन। हालांकि गुमान सिंह कैप्टनसी के ऑप्शन है, लेकिन एक कारण जो मुझे इनको वाइस कैप्टन बनाने का नहीं लग रहा है वो ये लग रहा है, देखो नवीन तो कैप्टन सबके मिलेंगे और बनाना भी चाहिए, गुमान को मैं वाइस कैप्टन बहुत लोग बनाएंगे मैं नहीं बना रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि गुमान के पास बैकअप रेडर नहीं है, मतलब कि अगर एक बार गुमान सिंह को बिठा दिया दिल्ली के डिफेंस ने, और जो कि इनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है वेरी मच कि दिल्ली मतलब गुमान सिंह को बिठाओ और आउट ऑफ मैच रखो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके और मैच जीतो, ये मुंबई के खिलाफ सभी टीमों की स्ट्रेटजी मुझे लग रही है होती होगी रहेगी। तो ऐसे में संदीप धुल के मुंह लग सकता है खून, अगर कुमार को बिठा दिया बैकअप पता है आपको कुछ नहीं है तो जो दिल्ली के डिफेंडर है वो फिर सर चढ़ के बोलेंगे, इसलिए संदीप धुल को मैं लेके जा रहा हूं एज ए वाइस कैप्टन। ठीक है, तो ये आपकी फैंटेसी टीम होगी पहले मैच की प्रो कबड्डी सीजन 2022 की। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। आज चूंकि 3 मैच हैं, बच्चे कुछ दोनों मैचेस की भी वीडियो आ रही है, सबसे पहले देखें, वीडियो अच्छा लगे विनिंग करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और मुलाकात का सिलसिला जारी रहिए रखिए। यहीं पे हम मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।